इस तरह परविंदर सिंह झोटे ने भाई अमृतपाल वाला काम करना शुरू किया। देखो जी सरकारां दीआं चालां ने कोई अज दीआं नहीं, पहलां तो चल दीआं। उस बीबी ने साबित कर दिता भी मैथों धक्के ना कहाया गया। जिहड़े कहिंदे सी असी हफ्ते दे विच असी चार दिनों विच नशा बंद कर देंगे, केंद्रीवाल वर्गे कहिंदे हुंदे सी, अज उह सरकार अज सत्ता दा ऐसो आराम निघ मान रही है। ते पंजाब दे पुत खूह च जाण, चोह चिट्टा खा के मरन, कोई टीके ला के मरन। जे पंजाब पुलिस उन्हां मैडिकलां ते सख्त आपदा दबाव बनाउंदी, उन्हां नूं फड़दी, उन्हां ते परचे करदी, जेलां च उन्हां नूं डकदी, जिहड़ा चिट्टा पका रहा है पंजाब दी नौजवानी खत्म कर लगे हुए ने। जे पंजाब पुलिस इदां दे काम करदी तां साढ़े वर्गे जां होर नौजवानां नूं आवाज़ चक्कण दी जां पिंडां दे विच लहर बनाउण दी कोई लोड़ नहीं सी पैणी। जे पंजाब पुलिस काम करदी आपदे जवाक इन्हां पंजाब जिहड़े लीडर वड्डे वड्डे लीडर ने चाहे पंजाब पुलिस दे ने, इन्हां ने आपदे जवाकां नूं बाहरे भेजा, विदेशां च बैठे ने, चंगे होटलां च बह के मास मिट्टी खांदे ने, शराबां पींदे ने। पंजाब दी नौजवानी इत्थे खत्म हो रही है, मौज ना एसियां च बैठे ने, आराम लै रहे ने। अज ते परविंदर सिंह झोटे नूं एक नूं गिरफ्तार किया, आने वाले पता नहीं किन्ने क गोविंदर सिंह परविंदर सिंह झोटे वर्गे किन्ने क खड़े होणगे। जिहड़ी सरकार ने जिहड़े पाणियां दे विच डुब के भुखे मर रहे ने, पर पंजाब दी नौजवानी ने जिन्हां नूं नशई कहिंदे सीगे, अतवादी कहिंदे सी, वक्खवादी खालिस्तानी कहिंदे सी, अज उसे खालिस्तानियां ने पंजाब नूं सामिया। कोई भी स्टेट का कोई दूजा तीजा बंदा आके पंजाब नाल नहीं खड़ा होया, पंजाब दी नौजवानी ने, यह खालिस्तानियां ने, यह गुरसिखां ने आके पंजाब दी नौजवानी नूं सामिया। सरकार ही इत्थे नाकाम है। मानसा दे विच परविंदर सिंह झोटे के हक के अज वड्डा इकट्ठ होया, जिथे दूरों दूरों जिहड़े लोग पहुँच रहे हैं, जथेबंदियां पहुँच रहे हैं, उत्थे ही बाबा जंगी पहुँचे ने। तो जदों दिल्ली अंदोलन की गल करते हैं, जब बाबा जंगी का नाम आता तो एक तस्वीर सामने आती है, जदों दिल्ली की हकूमत ने कह हटाया तो बाबा जी ने हाथ खड़ा करके जिहड़ा जकारा छड्या सी, तां उह जोश नौजवानां च भरिया सीगा। तो उदों जिहड़ी दिल्ली कंबी सीगी उह दहाड़ अज फिर इत्थे पहुंची आ। तो उह दहाड़ दे नाल गलबात करांगे कि किवें देखदे आ इस इकट्ठ नूं ते परविंदर झोटे दे उत्ते हुई गिरफ्तारी ते कारवाई नूं। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। जी बाबा जी इत्थे पहुंचे हो इकट्ठ दे विच झोटे दे हक दे विच, किवें देखदे हो जो हो रहा गा अज दे हालात बने हुए ने? देखो जी सारी संगत बड़ी माण वाली गल है, जिहड़ी अज संगत अज पहुंची आ उस नौजवान दे हक दे विच, जिहड़े परविंदर सिंह जिहड़ा झोटा सीगा, जिवें भाई अमृतपाल सिंह पंजाब दे नौजवानी नूं बचा रहा सीगा, इस तरह परविंदर सिंह झोटे ने भाई अमृतपाल वाला काम करना शुरू किया। किते ना किते जिहड़ियां सरकारां ने यह पंजाब दी नौजवानी रड़कदी रहिंदी है, उन्हां दे झूठे परचे पा के जेलां दे विच डक्किया जांदा है। तो बड़े माण वाली गल है जिहड़ी अज संगत हुम हुम आ के उस नौजवान दे नाल अज इस मैदान च उतरी है, उतरना चाहीदा है। वह पंजाब दे नौजवानी है, वह पंजाब दी जिहड़ी नसल कुसी हो रही है, छोटे छोटे जवाक मामां दे पुत्तां नूं बचाउण ते लग्गिया सी। जे असी उस नौजवान नाल असी मोढे नाल मोढा ला के ना खड़े, बंदा ये गल्लां ना सोचे भी अज जे किसी के घर अग लगी है कल नूं मेरे घर भी अग लग सकती है। असी इन्हां गल्लां तों सुचेत होना है। वह सारियां मामां भैणां वीर बजुर्ग वह जरूर इस नौजवान का आपां साथ दईए, उन्हों रिहा करवा सकीए। ये सरकारा वह ने जिहड़ी इस बीबी की देख वीडियो तुसी आई गई है, जिहड़ी पुलिस कहिंदी सी वी इह तां खुद नशे करदा गा, इह बीबी ने इल्जाम लाया, बीबी ने आके साबित करता कहिंदी पुलिस ने मेथों परचा करवाया गा, हुण किवें देखदे हो? देखो जी सरकारां दीआं चालां ने कोई अज दीआं नहीं, पहलां तो चलदीआं। उस बीबी ने साबित कर दिता भी मैथों धक्के ना कहाया गया। ये सरकारां जे पंजाब पुलिस जे सरकार जिहड़े कहिंदे सी असी हफ्ते दे विच असी चार दिनां विच नशा बंद कर देंगे, केंद्रीवाल वर्गे कहिंदे हुंदे सी, अज पंजाब दे नौजवानां दी अज गिनती नहीं, जिहड़े टीके ला के 15-15 साल दे जवाक
20 साल के पंजाब की नौजवानी खत्म हो रही है, उस बार नू बागी जिहड़ी रहिंदी है इत्थों दी आउण वाले समय दे विच जिहड़ी ओह टीके ला के सरिंजा ला के खत्म हो रही है। जिहड़े कहिंदे सी असीं हफ्ते दे विच महीने दे विच नशा बंद कर देंगे, अज ओह सरकार अज सत्ता दा ऐसो आराम निग मान रही है ते पंजाब दे पुत खूह च जाण चोह चिट्टा खा के मरन, कोई टीके ला के मरन। अज इस सरकार दा उस टाइम ते वी असीं विरोध कीता, कोई अज नहीं कोई विरोध किया, उस टाइम पर भी विरोध किया भी पंजाब की ये जी नरेंद्र मोदी की बी टीम है। असी उस टाइम पर अज का ही कहा, वीरदीप सिद्धू वेले भी असी कहा सी भी नरेंद्र मोदी की यह बी टीम है। वह साफ तौर वो गल्ला भाई दीप सिद्धू दी भी अज सही हुई, बिल्कुल वह नरेंद्र मोदी जी बी टीम निकली। दीप सिद्धू ने कही सी झाड़ू एक हाथ से झाड़ू फड़ के एक हाथ कृपान फड़ के कि लोगों की चुनना, तो लोगों ने झाड़ू चुने से अज जो गल्ला बाई कह के गया से साबित सच हो रही ने। देखो झाड़ू जिहड़ा आउंदा गा कूड़े के काम आउंदा, भाई दीप सिद्धू ने कही शमशीर दशमेश पिता ने दसवें पातशाह ने वो तलवार दी जिहड़ी कृपा करती है, कृपान कृपा कृपा करती है, यह किसी ते तशद्दुद हुंदा किसी की लुट खोह हुंदी है उत्थे कृपान वरत लेनी चाहिए। दशमेश पिता ने सानू तलवार दिती सी, वो बई दीप सिद्धू नूं जिहड़ियां गल्लां कहियां सीगियां भी जदों पत्रकार ने पुछया सी भी तुहाडा भगवंत मान बारी की ख्याल है, वह कहिंदे देखो जी किते किसे दिन पंजाब दा धी पुत हुंदा सी, किते पंजाब दा पुत हुंदा सी भगवंत मान, पर अज इह दिल्ली सरकार नाल घिओ खिचड़ी होकर चल रहा। वह देखो साडे सामने है, पंजाब दा नौजवान जे नशे छुड़ाउंदा सीगा, पंजाब पुलिस सरकार कह रही, पंजाब पुलिस कह रही है भी इहदे कोले की अधिकार है, ये जाके जिहड़ा दुकानां ते मैडिकलां ते जाके छापे मारदा है। जे पंजाब पुलिस उहनां मैडिकलां ते सख्त आपदा दबाव बनाउंदी, उहनां नूं फड़दी, उहनां ते परचे करदी, जेलां च उहनां नूं डकदी, जिहड़ा चिट्टा बका रहा है पंजाब दी नौजवानी खत्म करन लगे हुए ने। जे पंजाब पुलिस इदां दे काम करदी तां साडे वर्गे जां होर नौजवानां नूं आवाज़ चक्कण दी जां पिंडां दे विच लहर बनाउण दी कोई लोड़ नहीं सी पैणी। जे पंजाब पुलिस काम करदी आपदे जवाक इन्हां पंजाब जिहड़े लीडर वड्डे वड्डे लीडर ने चाहे पंजाब पुलिस दे ने, इन्हां ने आपदे जवाकां नूं बाहरे भेजा, विदेशां च बैठे ने, इत्थे पंजाब दी नौजवानी मर रही है, चंगे होटलों च बह के मास मिट्टी खाते ने, शराबा पीते ने, पंजाब की नौजवानी इतने खत्म हो रही है, मौजना एसिया च बैठे ने आराम लै रहे ने, पंजाब की नौजवानी जो मर्जी होवे, पर इस नौजवान ने पंजाब की आवाज़ उठाई है। आने वाले दिनों के अपने नौजवान को छड़ा के तो जे ना समझ लें भी अज तो परविंदर सिंह झोटे नू एक नू गिरफ्तार किया है, आने वाले च पता नहीं किन्ने परविंदर सिंह झोटे वर्गे किन्ने खड़े होणगे। पंजाब की जे नौजवानी बचाउणी है भावें वह क्लीन सेफ है नहीं अमृत छकिया, वो हर एक नौजवान इस तरह परविंदर सिंह झोटे का आपां साथ दईए। आने वाले समय के आपां वो मेरे भरा वो नौजवान ने चल कोई नहीं भावें नहीं अमृत छकिया क्लीन सेफ ने, जे रास्ते तो थिड़क गए वह भी साडे मामा दे पुत ने, भैणा दे भरा ने, साडे भरा ने, वो उन्होंने बचाइए। आने वाले समय के आप लहर बना के कबड्डी पिंडा दे विच हर एक पिंड दे विच जाके गेड़ा दईए, जिन्नी क सेवा महाराज सच्चे पातशाह ने करवानी है असी उस नौजवान दे नाल खड़े हाँ। सारिआं दा फर्ज बनता है, झूठे परचे पा के उस नौजवान नूं जेल च डक्या होया, इस गल्ला तो सरकार है जिहड़ी आपदियां नाकामियां तो जिहड़े हड़ पीड़ता दे वास्ते सी इह प्रशासन तो जिहड़ी सरकार ने जिहड़े पाणियां दे विच डुब गए भुखे मर रहे ने, पर पंजाब दी नौजवानी ने जिन्हां नूं नशई कहिंदे सीगे, अतवादी कहिंदे सी, बखवादी खालिस्तानी कहिंदे सी, अज उसे खालिस्तानियां ने पंजाब नूं सामिया। कोई भी स्टेट का कोई दूजा तीजा बंदा आके पंजाब नाल नहीं खड़ा होया, पंजाब दी नौजवानी ने, ये खालिस्तानियां ने, ये गुरसिखां ने आके पंजाब दी नौजवानी नूं सामिया। सरकार ही इत्थे नाकाम है, पंजाब सरकार फेल है, इत्थे आपां कह सकदे हां पंजाब दी नौजवानी इस तरह मूहरे होकर तुरे तो आने वाले समय के मथले आपां सुलझा सकीए। सो सारी संगत का तहे दिलों धन्नवाद है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जंगी जौल साडे नाल मौजूद सीगे तां उन्हां नाल गलबात कीती है, जिवें उन्हां ने कहा कि जो मौजूदा सरकार ने ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान जो नौजवानों नूं जाके जिवें जेलां च डक्या उही कुछ अज हो रहा, तो असीं उदों भी विरोध करदे सी, असीं अज भी विरोध करदे हां, तो इसे तरह असीं आवाज़ चुकते रहांगे। कैमरा परसन अमनदीप सिंह के नाल लीव ऑन राजदीप सिंह भुल्लर मानसा।